Now telophase. Telophase is the final phase of mitosis, and it is also known as the reverse of prophase. क्योंकि इस phase में almost सारे processes prophase के reverse में होते हैं. So also known as the reverse prophase. अब इस फेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने पोल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, डीकंडेंस होंगे और उसके बाद दे विल कन्वर्ट इनटू क्रोमेटिन फाइबर्स. सो दीज आर द इवेंट्स विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग टेलोफेज. क्रोमोसोम्स दे रीच देयर पोल्स, decondense and convert into chromatin fibers. तो chromatin fiber जब हमने prophase देखा था, prophase में भी सबसे पहले क्या था, early prophase के समय genetic material chromosomes were in the form of chromatin threads, ठीक है. तो एक स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे टेलोफेज में क्या क्या हो रहा होता है. क्रोमोसोम्स जो हैं अपने ये पोल्स हैं, ये मैंने शुरू में ही दिखाया हुआ था, ठीक है, बीच में इक्वेटर है. यहां पे पोल्स पे क्रोमोसोम पहुंच गए हैं, डीकंडेंस हो गए हैं और ये इन्होंने क्रोमेटिन फाइबर्स बना दिया है. हमने तीन क्रोमोसोम लेकर के स्टडी करने की बात कही थी, ठीक है. इसके साथ ही अब इसके चारों ओर क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप बन जाएंगे. नाउ द न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर्स, ठीक है. सो दीज आर क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर्स, ठीक है. तो हम इसको लिखते हैं न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर्स एंड इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द ट्रेसेस ऑफ ओल्ड न्यूक्लियर एनवलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. फॉर्म्ड with the help of traces of old or pieces of old nuclear envelope and endoplasmic reticulum, ठीक है. इसके साथ ही nucleolus will also reappear. एक हम देखेंगे छोटे छोटे न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहे हैं, न्यूक्लियस भी रीअपियर हो जाएगा इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. सो न्यूक्लियोलस रीअपियर्स इन द रीजन ऑफ और इन द एरिया ऑफ एनओआर विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है. इसमें जो साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी और रिफ्रैक्टिविटी होगी, अब ये क्या होगा, यहां पे जो सेल धीरे धीरे, अच्छा एक चीज मैंने और बताया था, एनाफेज के टाइम जब लेट एनाफेज आएगा तो साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर होगा यहां पे. यू विल सी द कॉन्स्ट्रिक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से, ठीक है. मैंने बताया था कि टेलोफेज में इसको हम इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, ठीक है. तो साइटोप्लाज्म की जो विस्कोसिटी और रिफ्रैक्टिविटी होती है इस समय डिक्रीज हो जाएगी, जबकि प्रोफेज के टाइम में हमने क्या पढ़ा था, द रिफ्रैक्टिविटी एंड द विस्कोसिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म विल इंक्रीज, बट
just I told you that it is the reverse prophase. So viscosity and refractivity of cytoplasm will decrease or decreases will decrease. ठीक है, इसके साथ ही गॉल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो दूसरे ऑर्गेनल्स हैं वो भी गॉल्जी एपरेटस और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये और भी अदर ऑर्गेनल्स हैं वो भी रीअपियर होंगे. और जब न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होगा उसी दौरान जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होंगे सेल के अंदर उनके मेम्ब्रेन्स भी रीअपियर होते हैं. ठीक है, अब रही स्पिंडल फाइबर्स की कंडीशन. स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है इस फेज में? तो जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स के केस में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाते हैं. ठीक है, एस्ट्रल रेज और ऑल जो यहां पे एस्ट्रल रेज थी और स्पिंडल फाइबर वो डिसअपियर हो जाता है. लेकिन प्लांट सेल के केस में क्या होता है, पोल्स के रीजन में स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होंगे, लेकिन इक्वेटर रीजन में, ये इक्वेटर रीजन है, यहां पे स्पिंडल फाइबर्स जो है प्रेजेंट रहेंगे एंड दे विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स दैट इज नोन एज फ्रेग्मोप्लास्ट. तो स्पिंडल फाइबर्स इन केस ऑफ एनिमल सेल्स एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर whereas in case of plant cells क्या होगा, पोलर रीजन में दे विल डिसअपियर स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर इन द पोलर रीजन बट polar areas or poles but they remain persist in the equator region but remain persist in the equator region and they will produce a complex and form a complex known as phragmoplast and form फ्रेग्मोप्लास्ट. ओके, विच विल हेल्प इन साइटोकाइनेसिस. ठीक है, और ये टीलोफेज ही है जिसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाएगी. जैसे जैसे टीलोफेज कंप्लीट होगा साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस विल ऑल्सो complete. So the process of cytokinesis complete along with telophase. Iska initiation ho jata hai anaphase se, kai late anaphase mein kuch cells mein jaise hi telophase start hoga usi samay cytokinesis start hoti hai. So this is all about the telophase. Now we will see cytokinesis. We will discuss the cytokinesis. Now let's see the cytokinesis. Cytokinesis is also known as division of cytoplasm. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि it starts at the end of the anaphase and ends with simultaneously with the telophase. So it starts at the end of anaphase that I already told you. Now in cytokinesis always perpendicular to the spindles and it is parallel to the equator. So it is always cytokinesis
परपेंडिकुलर पुलर टू स्पिंडल फाइबर्स एंड पैरेलल टू इक्वेटर्स. अब जो प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है, दोनों में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट तरीके से होता है. प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है जो कि रिजिड होती है, तो वो इनवेजिनेट नहीं हो सकता. जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन, इट इज फ्लेक्सिबल, इट कैन इनवेजिनेट. तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होगी वो क्लीवेज साइटोकाइनेसिस होगी बाय द फरोइंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच विल फॉर्म अ फरो, वी विल सी इट लेटर. एंड इन केस ऑफ प्लांट सेल, एक सेल प्लेट फॉर्म होगा सेल के सेंटर में, इक्वेटर रीजन में, एंड देन इट विल डिवाइड द टू सेल्स सेंट्रीफ्यूगली. ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ एनिमल सेल द डिविजन इज सेंट्रिपिटल. ठीक है, क्लीवेज इज सेंट्रिपिटल. तो फर्स्ट वी विल दिस सी द साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ एनिमल सेल. साइटोकाइनेसिस इट इज बेटर. In animal cell is known as cleavage cytokinesis. Cleavage cytokinesis. हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे. ये एक एनिमल सेल है. मैंने अभी बताया था टीलोफेज में कि टीलोफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल्स. एस्ट्रोडेज एंड स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर्स. तो सबसे पहले यहां पे क्या होगा, जो इक्वेटर रीजन है वहां पे एक मिड बॉडी फॉर्म होगी और साथ ही इसके पेरिफेरल रीजन पे, ठीक है, पेरिफेरल रीजन में सेल मेम्ब्रेन के नीचे माइक्रोफिलामेंट्स, contractile rings of microfilaments will form. So here contractile rings of microfilament will form on the periphery of the cell near the below the cell membrane. So pehle kya ho raha hai, mid body is formed in the center of the cell. Now, next, a contractile ring of microfilament is formed on the periphery of cell below the cell membrane. Below the cell membrane. अब क्या होगा, इसमें मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है विच विल कनेक्ट देम फॉर द मायोसिन प्रोटीन कनेक्ट डैम फॉर द कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन. यहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट होगा इस जगह पे. यहां पे ये न्यू हम बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए. ये दो डॉटर न्यूक्लियाई यहां पे प्रेजेंट हैं, ठीक है,
अब इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है जिससे कि दे विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स. तो यहां पे क्या होगा, अब इनवेजिनेशन स्टार्ट होगा. नाउ इनवेजिनेशन स्टार्ट्स एट द रीजन ऑफ माइक्रोफिलामेंट. और इसके बाद क्या होगा, देखें हम इस तरीके से इनवेजिनेट होगा सेल मेम्ब्रेन. और इट विल डीपेन टिल इट, ये इनवेजिनेशन है. एंड दिस इनवेजिनेशन इज सेंट्रिपिटल इनवेजिनेशन. पेरीफेरी से इट इज इन्वेजिनेटिंग फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर. सो दिस टाइप ऑफ इन्वेजिनेशन इज सेंट्रिपिटल इन्वेजिनेशन. ये इन्वेजिनेट हो रहा है और इन्वेजिनेट होकर के तब तक इन्वेजिनेट होगा जब तक कि ये दोनों आपस में आकर मिल नहीं जाएंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप हियर. यहां से इन्वेजिनेट होगा और ये यहां पे आकर के एक सेल को ये दो सेल में डिवाइड करेंगे. ठीक है, दिस विल रिजल्ट इनटू द डिवीजन ऑफ मदर सेल इनटू और द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल. So such kind ये cleavage form हो रहा है and such type invagination हो रहा है, cleavage form हो रही है. इसलिए इस तरीके के cytokinesis को हम बोलते हैं cleavage cytokinesis. Such का type of cytokinesis is known as cleavage cytokinesis. Okay, these are the two daughter cells. Invagination, let's write down all the points. Invagination deepens till it divides. Invagination deepens centripetally. Till it divides the mother cell into two daughter cell. So due to this cleavage formation caused by the invagination of the cell membrane, this type of cytokinesis is known as cleavage cytokinesis. Membrane of the two daughter cells, जो daughter cells बने हैं, they are produced by the mid body. दो daughter cells जब बनेंगे उसके बाद उनकी membrane form होगी and those membranes are formed by the mid body. So the membranes of, this is very important point, membranes of two daughter cells are produced by the mid body.
साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स में दो तरह से साइटोकाइनेसिस होती है. एक्चुअली लोअर प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो साइटोकाइनेसिस होती है वो क्लीवेज साइटोकाइनेसिस जैसे कि एनिमल्स में होती है. उसमें जो प्लाज्मा लेमा है सेल का वो इन्वेजिनेट होगा. हमने एनिमल सेल में जैसे देखा था इन्वेजिनेशन, एक फरो फॉर्म करेगा और तब तक इन्वेजिनेट होगा जब तक कि वो दोनों इन्वेजिनेशन आपस में एक दूसरे से फ्यूज नहीं हो जाते. फ्यूज होने के बाद दे विल डिवाइड वन मदर सेल और पेरेंट सेल इंटू टू डॉटर सेल्स. सो दिस टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस इज फाउंड इन लोअर प्लांट्स. ठीक है, लोअर प्लांट्स के केस में क्लीवेज साइटोकाइनेसिस होती है. बट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ प्लांट इज द सेल प्लेट फॉर्मेशन. सेल प्लेट साइटोकाइनेसिस, इसमें क्या होगा एक एक करके हम देखेंगे. पहले जो स्पिंडल एपरेटस है इट इनलार्जेस इन द इक्वेटर. इक्वेटर पे इनलार्ज रहेगा एंड इट विल इंटर डिजिटेट विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स पिंक कलर में, इंटर डिजिटेट विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स. लेट्स राइट द प्रोसेस. स्पिंडल इनलार्जेस इन द इक्वेटर रीजन. Equator and interdigitate with microtubules and this interdigitation will results in the formation of a complex that is known as the phragmoplast and form a complex known as phragmoplast. Phragmoplast का काम क्या होता है? This will trap the vesicles. ये vesicles है which are produced by the Golgi body and endoplasmic reticulum. तो यहां पर complex form हो रहा है, ये microtubules है and together they form a complex which is known as phragmoplast. Phragmoplast का काम क्या होता है मैंने बताया. It will trap the vesicles. These are the vesicles. Vesicles which are produced by Golgi complex, Golgi bodies and तो phragmoplast will trap the vesicles produced by Golgi complex and endoplasmic reticulum. Now these vesicles they fuse to form a thin film with the membranes on its either sides. ठीक है, ये वेसिकल्स हैं यहां पे, ये फ्यूज होके एक थिन फिल्म बना रहे हैं और इनके दोनों साइड में आप येलो कलर में देखेंगे दीज आर द मेम्ब्रेन्स. ठीक है, सो वेसिकल्स फ्यूज टू फॉर्म अ थिन फिल्म विथ the membranes on its both the sides. अब क्या होगा next step? इस thin film जो है इसकी solidification होगी. It will solidifies with the help of calcium and magnesium pectate and form a cell plate which is also known as the future middle lamella. So this thin film solidifies with calcium and magnesium pectates and form
सेल प्लेट विच इज ऑल्सो नोन एज फ्यूचर मिडिल लैमिला और सेल प्लेट और वी कैन से फ्यूचर मिडिल लैमिला. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब जैसे जैसे सेल प्लेट बनती जाएगी ये फ्रेगमोप्लास्ट है इट विल स्टार्ट डिसअपियर. ठीक है, जैसे जैसे सेल प्लेट बनती जाएगी फ्रेगमोप्लास्ट विल स्टार्ट टू डिसअपियर. सो फ्रेगमोप्लास्ट कब डिसअपियर हो रहा है, फ्रेगमोप्लास्ट विल डिसअपियर एज द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट स्टार्ट्स. ठीक है, फिर क्या होगा, अब ये फर्दर वेसिकल्स आकर के ऐड होते चले जाएंगे साइड में सेंट्रीफ्यूगली. ठीक है, अब पेरीफेरी की तरफ से वेसिकल फिर और ऐड होते जाएंगे इस तरीके से और थिन फिल्म बनती जाएगी, फिर सेल प्लेट बनता जाएगा. तब तक बनता जाएगा जब तक कि दिस विल अटैच विद द लेटरल वॉल ऑफ द मदर सेल. मदर सेल की लेटरल वॉल तक ये अटैच होगा. ठीक है, उसके बाद ये इट विल फॉर्म अ थिन फिल्म. थिन फिल्म के साथ साथ दोनों तरफ इसके मेम्ब्रेन रहेगी. ठीक है, और इस तरीके से इट विल डिवाइड वन पेरेंट सेल इंटू टू डॉटर सेल्स. ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं ये जो ग्रोथ हो रही है वेसिकल्स की, जो एडिशन हो रहा है इट इज एडिंग इन द सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगली जो वेसिकल्स हैं दे आर बीइंग एडेड सेंट्रीफ्यूगली फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पेरीफेरी. नाउ वेसिकल्स कीप ऑन एक्युमुलेटिंग सेंट्रीफ्यूगली. वेसिकल्स कीप ऑन एक्युमुलेटिंग सेंट्रीफ्यूगली टिल इट रीचेस टू द लेटरल वॉल्स ऑफ टिल इट रीचेस टू द लेटरल वॉल ऑफ मदर सेल्स एंड divides it into two daughter cells. Two daughter cells. अब जो नए daughter cells बन रहे हैं, जो ये नए दो daughter cells बने हैं, इनके जो protoplast होंगे they will help in the formation, they will secrete some substances and help in the formation of the wall formation around the middle lamella. So the protoplasts of the daughter cells helps in the wall formation basically in the primary wall formation on the middle lamella.
During this process, at some places, these vesicles do not fuse. ठीक है, ये सारे vesicles जो fuse हो रहे हैं, कहीं कहीं पे ये fuse नहीं होते. ठीक है, तो they form a pore-like structure, and these structures are known as plasmodesmata or desmotubules. ठीक है, तो प्लाज्मोडेसमेटा का फॉर्मेशन कैसे होता है? वेसिकल्स डू नॉट फ्यूज एट सम प्लेसेस एंड फॉर्म अ पिट लाइक स्ट्रक्चर और पोर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज प्लाज्मो नोन एज प्लाज्मो डेस्मेटा. प्लाज्मो डेस्मेटे का रोल क्या होता है? ये दो सेल्स के जो दो एडजेसेंट सेल्स होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्टेड रखता है. तो इट हेल्प्स इन द कनेक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स. सो दिस इज हाउ द साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट सेल्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस.